विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में प्रचार प्रसार मोबाइल वैन राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के मोतीपुर और तुलसीपुर वार्ड पहुंची। संकल्प यात्रा के प्रभारी और निगम के कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके ने बताया कि यात्रा के तहत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही महतारी वंदन योजना का लाभ लेने की अपील भी लोगों से की जा रही है। मोदी सरकार की जो गारंटी योजना है उसके संबंध में आम नागरिकों को लाभ दिया जाना है, जिसमें मुख्यतः है महतारी बंधन योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, विश्वकर्मा योजना है। इस प्रकार के बहुत सारे जो आम नागरिकों से जुड़ा हुआ योजना है उनका लाभ दिया जाना है। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरा पैर चल गया था भट्टा में, कोयला भट्टा में, तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज करवा रहा था, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा खर्चा आ रहा था जो कि मैं कर नहीं पा रहा था, तो आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज हुआ। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे आंगनबाड़ी द्वारा मातृत्व वंदना योजना के बारे में पता चला। वहाँ की मैडम ने बताया कि पहले बच्चे के टाइम में आपको मातृत्व वंदना योजना के तहत पैसा मिलेगा जो आपके अकाउंट में आएगा। मैं लकड़ी से खाना बनाती थी तो बहुत धुआं धुआं होता था, अब मुझे उज्ज्वला योजना प्राप्ति हुआ है मोदी जी के द्वारा, उसके लिए मैं धन्यवाद करूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन किया गया, साथ ही लोगों को विकसित राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया गया।